नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, लगातार हम सिटी लाइव के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। देश की और पूरी दुनिया की जो वर्तमान स्थिति है उस पर हम चर्चा करते हैं। और आज हम आपको एक बात निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह से, किसी भी महामारी से बचने के लिए आपको अपने को अपना बचाव ही करना पड़ेगा। यही अपने आप में सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना कभी नहीं देखता किसी भी जात को, नपात को। ये पूरी तरह से अपने जो वर्चस्व है, अपनी जो महामारी है, वो लोगों के ऊपर फैला देता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं मकसूद अली खान साहब, जो कि जाने माने लेखक हैं और समाज सेवी भी हैं। मकसूद जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना नहीं देखता है कोई जात, यही है आज पते की बात। इस पर आप कितना सहमत हैं? बेशक। एक्चुअली जैसा कि आपने कहा कि इस सारे मामले में प्रिवेंशन ही क्योर है, और शायद पहली बार पूरी मानवता एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रही है जो नजर नहीं आ रहा जी। और वो किस जरिए से फैल रहा है, हवा से, टच से, आमतौर पर लोगों को पता भी नहीं चलता। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो किसी पर्टिकुलर जाति के आदमी को हर्ट करेगा या किसी खास कौम को नुकसान देगा, वो जो जो उसके चपेट में आ जाएगा वो उससे परेशान होगा। तो किसी के भी दिमाग में अगर ये खाम ख्याली हो कि वो उससे परेशान नहीं होगा या वही उससे परेशान होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। समाज को और देश को, बल्कि यूं कहना चाहिए पूरी दुनिया को, इस गलतफहमी का या इस बेवकूफ़ी का खामियाजा उठाना पड़ेगा, अगर इस गलतफहमी को दूर नहीं किया गया तो। निश्चित रूप से, जैसा कि आपने कहा कि ये किसी जात को नहीं देखता है, किसी भी सामाजिक स्थिति को नहीं देखता है, ये कभी भी किसी के साथ भी जो है लग सकता है, ये महामारी फैल सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ पर बिल्कुल लगातार जा भी रही है। तो आप एक अच्छे लेखक हैं और समाज सेवी भी हैं, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह वो इससे बचें, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और आप अपने नजर से, एक लेखक के नजरिए से, क्योंकि आपने बहुत सी कहानियां भी लिखी हैं, आप अलग अलग समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप काफी कुछ लिखते रहते हैं, रेडियो में भी आपने काफी अच्छा काम किया है, तो आप एक लेखक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? आमतौर पे लेखक या समाज के क्षेत्र में काम करने वाला आदमी थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्वेशन रखता है आम आदमी के मुकाबले में। तो जो मैंने देखा है वो ये कि आमतौर पे लोग, खास करके मोहल्ले वाले लोग या थोड़े कम पढ़े लिखे लोग या डेंस बस्तियों में रहने वाले लोग, इस तरह के जनता कर्फ्यू को या सेल्फ इम्पोज प्रोटेक्शन को थोड़ा कम मानते हैं। उनको ये लगता है कि क्या है, इसमें कुछ नहीं होगा। पर मेरा ये मानना है कि अगर कोरोना जैसी कोई बीमारी अगर लोअर लेवल के तबके में पेनिट्रेट कर जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान कर देगी, क्योंकि हालांकि अभी तक ये जो बीमारी है ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेड है, और आमतौर पर कहा जा रहा है कि बड़े घर वालों का या पैसे वाले लोगों का या जो लेकिन अब तो सभी सामान्य लोगों में भी, गरीब लोगों में भी आ गई सर। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये गरीब लोगों में एंटर कर गई तो उन लोगों को तो हेल्थ और हाइजीन का भी इतना ख्याल नहीं रहता, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो महंगे इलाज बेयर कर पाए, या जितना कि हमारे पास सरकार के पास जराए हैं और जितनी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो इतने सारे लोगों को हैंडल करने के लिए काफी नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर ये समाज के निचले तबके तक अगर पहुंच गया या मजदूर पेशा लोगों तक पहुंच गया तो फिर ये काबू होने वाली बीमारी नहीं है। मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान में ये कच्ची बस्तियों तक कोरोना आ गया तो फिर ये वापस नहीं जाएगा, तो ये बहुत भयावह स्थिति। मैं आपको मकसूद जी यही बताना चाह रहा हूँ कि चाहे हम मुंबई के धारावी की बात कर लें, जो कि सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, वहां पर भी एक पॉजिटिव जो है वो मिला है। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे राजस्थान की, तो आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दो दिनों में
करीब 40 के आसपास जो है वो क्वांटिटी बढ़ी है। राजस्थान राजस्थान की बात करें, अगर पूरे देश की बात करें तो पिछले दो दिनों में 647 जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, और उसमें कोई गरीबी अमीरी की बात नहीं है, वो आज सभी तबके के लोगों को जकड़ रही है। तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि लगातार अगर हम जयपुर की बात करें तो रामगंज को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, अगर हम तब्दीली जमात की बात करें तो देखिए पूरे देश में करीब 14 राज्यों में लोग वहां के चले गए, क्योंकि ये हम जानते हैं तबलीगी जमात में कुरान की पूरी तरह से शिक्षा दी जाती है, वहां अच्छी बातें बताई जाती हैं, वहां अल्लाह के बारे में बताया जाता है, बावजूद इसके लोगों की ये समझ में नहीं आया और वो पूरे देश के करीब 14 राज्यों में चले गए। आप उस जमात के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए जमात का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं अपने फील्ड में, वो एक धार्मिक ही संगठन है, उसका और किसी काम से लेना देना होता नहीं है, और उनको शायद इस बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं रहा, और ये बड़ा ह्यूमन एरर है, ये उनके मैनेजमेंट का फेल्योर कहना क्या कहूंगा मैं, कि वो इतना वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसमें दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसके बावजूद अगर वो इसकी गंभीरता को नहीं भांप सके या वक्त रहते वो इस बात को हैंडल नहीं कर पाए, वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सके, या वो अपने लेवल पे जो कुछ भी कर सकते थे वो अगर नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, और उसका खामियाजा जो है वो रेस्ट ऑफ द कंट्री को, बल्कि जहां जहां पे वो लोग विदेशी लोग जो आए हुए थे वो यहां से जाएंगे, या तो वो इन्फेक्टेड आए थे या वो इन्फेक्ट होकर के जाएंगे, तो वो न सिर्फ मकसूद जी हम यही आप जैसे, इसलिए आज आपको यहाँ पर सिटी लाइव में बुलाने का हमारा सबसे बड़ा मकसद भी यही रहा था कि मकसूद जी आएंगे और अपने तमाम जो चाहने वाले लोग हैं, जो बिरादरी के लोग हैं, उनको एक संदेश जाए, क्योंकि आप जैसे जो शिक्षित लोग हैं जब समाज में आगे आएंगे, सामने आएंगे, लोगों को समझाएंगे, तब जाकर हो सकता है कि उनके समझ में आए, क्योंकि ये सिर्फ उनको ही नहीं उनके पूरे परिवार को खत्म कर सकता है, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, जो कि डाल चुका है वो, क्योंकि हम लगातार 14 राज्यों में बिल्कुल वो डाल चुका है। तो इसके लिए आप जैसे जो समाज सेवी लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए, वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ चंद लोगों को छोड़कर लोग आगे नहीं आ रहे, इसके पीछे क्या कारण मान सकते हैं आप? नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहे, जैसे परसों पहले रोज से जब से मैं इस बात का अवेयर हुआ, मैंने लगातार लिखा, मैंने फेसबुक पे, मैं आमतौर पे लंबी चिट्ठी नहीं लिखता, लेकिन आज ही सुबह मैंने मेरी कम्युनिटी को एक लंबी चिट्ठी लिखी है, और उसमें ने लिखा है कि आपकी लापरवाही या बेवकूफी या गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है ये सिर्फ आपके लिए खतरनाक नहीं है, आपका अपनी जान पे इख्तियार हो सकता है लेकिन आपका दूसरों की जान पे इख्तियार नहीं हो सकता, आप दूसरों की जिंदगी का के लिए खतरा नहीं बन सकते। तो अगर जिम्मेदारान अगर कुछ कह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कह रहा है या लॉ कुछ कह रहा है या हेल्थ एक्सपर्ट्स अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको बिल्कुल आंख बंद करके मान लेने का मौका है, इसमें इफ एंड बट के लिए कोई गुंजाइश है नहीं, और अगर ऐसा नहीं होगा और सरकार कोई कुछ ज्यादा सख्त कदम उठाएगी तो बिला वजह एक नेगेटिविटी स्प्रेड होगी कि साहब मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, जबकि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वो आपका तकाजा है। वो बिल्कुल हम यही कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो हमारे भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे या किसी भी समाज के लोग हो, वो हमारे भाई हैं। मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, मैंने कल ही सुबह एक फेसबुक पर लिखा था कि जो लोग डॉक्टरों पर थूक रहे हैं, जो लोग डॉक्टरों पर कुल्ला कर रहे हैं या उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, वो लोग जाहिल हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसमें भी बहुत से लोग नाराज हो गए, नाराज हो गए, बिल्कुल वो तो सरकार ने की है, लेकिन इसमें नाराजगी की कौन सी बात हुई? मैंने किसी धर्म के बारे में बात नहीं की, मैंने किसी समाज के बारे में बात नहीं की, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू अगर इस तरह की हरकत करेगा तो भी वो जाहिल है, अगर वो सिख करेगा, किसी भी समाज का करेगा तो वो जाहिल लोग हैं, और वो थूक उन डॉक्टरों के ऊपर नहीं थूक रहे हैं, वो हमारे देश के ऊपर थूक रहे हैं, वो हमारे समाज के ऊपर थूक रहे हैं। कुछ चंद मकसूद जी हम आपसे यही जानना चाहेंगे, इन कुछ चंद लोगों के कारण पूरा समाज जो है वो बदनाम होता है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर एज ए मुस्लिम बात करूं, अब तक मैं देश के
अधार्मिक नागरिक के तौर पर बात कर रहा था, मैं एज अ मुस्लिम अगर मैं बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि मुस्लिम्स के बारे में आमतौर पर कोई पॉलिटिकली भी कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखी जा रही थी पिछले कुछ टाइम। सर पॉलिटिकल में भी बड़े बड़े हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं उसमें नहीं, ऐसा अभी, नहीं है। अभी गुज़िश्ता कुछ टाइम की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में तो खैर मुसलमानों का बहुत जबरदस्त रोल रहा, आगे भी रहेगा। हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान नहीं बना था तब से मुसलमानों का बहुत पॉजिटिव रोल रहा, आगे भी रहेगा। और हर कम्युनिटी में कुछ एक्सेप्शन हमेशा होते हैं और आमतौर पर वो जो अपवाद होते हैं वो निगेटिव होते हैं। ये जो कुछ भी जाहिल कहना चाहिए या कम पढ़े लिखे या बेवकूफ किस्म के मुसलमान ये जो हरकतें कर रहे हैं और उसमें अफवाहों का बड़ा दौर दौरा है, सोशल जो साइट्स हैं या जो फेसबुक का खास करके बड़ा, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह का बड़ा निगेटिव रोल रहा कि जो हकीकत को जाने बगैर लोग कुछ भी कहते हैं, तो उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। और अनपढ़ या बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि इसकी बात की सच्चाई क्या है और वो फिर इस तरह की बेहूदा हरकतें करते हैं और उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि इंदौर में कोई हरकत हुई है तो हिंदुस्तान के हर कोने के मुसलमान टारगेट हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा नुकसान है, ये इस कम्युनिटी को बड़ा नुकसान है। वो अगर ये सोच रहे हैं कि उन्होंने वो हेल्थ वर्कर्स को उन्होंने कोई परेशान कर लिया या एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा छका दिया या दौड़ा दिया, तो वो बेवकूफ आदमी ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान के बाकी मुसलमान जिन्होंने कभी भी लॉ के अगेंस्ट जाने का नहीं सोचा, वो उनकी बेवकूफी का शिकार है और उनको जवाब देना पड़ रहा है। जैसे मैं, मेरे ऐसा आदमी, उसको अगर ये जवाब देना पड़ेगा कि साहब इंदौर में किन्हीं किन्हीं दो चार पांच दस बेवकूफों ने बेवकूफी की, आप क्या सोचते हैं, तो ये एक तरह से मेरी कौम की इंसल्ट है, ये मेरी इंसल्ट है। चाहे वो लड़कों के साथ छेड़खानी हो, डॉक्टरों के साथ छेड़खानी हो, उनके साथ अश्लील हरकत हो, हालांकि सरकार ने उन्हें उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन ऐसे चंद लोगों के खिलाफ, अब देखिए अगर हम तबलीगी जमात की बात करें, वहां पर कुरान पर पढ़ाया जाता है, वहां अल्लाह के बारे में बताया जाता है, वहां जीने की कला जो है वो सिखाई जाती है। अब वहां से निकलने के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर थूक रहा है, कुल्ला कर रहा है या महिला नर्सों के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो ये पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। और हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से जो दूसरे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि आप नमाज के अंदर भीड़ इकट्ठा करके नमाज अदा कीजिए, जबकि पूरे राजस्थान में, देश में, हाँ बहुत सी जगह हम देखते हैं कि नमाज अदा नहीं की जा रही है, मस्जिदों में भीड़ नहीं हो रही है, लेकिन चंद जगहों पर इस तरह के लोग जब बयानबाजी करते हैं या वीडियो वायरल करते हैं तो इससे पूरा समाज जो है वो शर्मिंदा होता है। ऐसे लोगों के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिये, किसी शायर का ये कहना है कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, बेशक लोग गलतियां कर रहे हैं। जैसे आज भी, अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि यूपी के किसी जगह पे कुछ लोगों ने छत पे मिलकर के नमाज पढ़ी, पुलिस वाले वहां गए, उनको रोका तो उनके साथ कुछ हाथापाई हुई, तो जबकि बिल्कुल साफ साफ धर्मगुरुओं का ये कहना है, कुरान का ये कहना है, हदीस का ये कहना है कि अगर इस तरह की कोई महामारी का अंदेशा हो, जिसको आमतौर पे उर्दू में और अरबी में वबा बोलते हैं, कि अगर किसी के वबा के फैलने का कोई अंदेशा हो तो मस्जिदों में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो तो भी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अपने अपने घरों से नमाज पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल, मैं मेरे तमाम जो मुस्लिम साथी हैं, मेरे हमवतन हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मजहब, आप इस्लाम सदा लचीला मजहब तो शायद ही कोई हो, उसमें हर एक चीज के लिए आपको एक फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आप ये नहीं कर सके तो ये कर लीजिए, ये नहीं कर सके तो ये कर लीजिए। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप उसके रोजे के बदले किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, अगर आप सफर में तो घर आके नमाज पढ़ लीजिए, आधी नमाज पढ़ लीजिए, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो इस्लाम आपको देता है। तो सिर्फ सिस्टम को चैलेंज करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान करने के लिए कि साहब हम तो नमाज पढ़ेंगे, ये जहालत है, ये बेवकूफी है और इसके लिए कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। जो कानून जिस तरह की सजाएं मुकर्रर करता है या उसका इमीडिएट जो भी रास्ता हो सकता है उसे अपनाना चाहिए। और उसके बरक्स एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को भी बदले जैसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, आप ये हाथ आ जाए तो उनको मारो कूटो या उनके हाथ पैर तोड़ दो, समझाइश से काम सकता है तो समझाइश से किया जाना चाहिए, उनको एक सिटीजन ऑफ कंट्री ही मान करके पेश आना चाहिए उनके साथ। अलबत्ता ये उनकी बेवकूफी का ही नतीजा है, मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं दूंगा।
बिल्कुल मकसूद जी, हम ये समझ सकते हैं कि जो कुछ कम पढ़े लिखे या ना समझ होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन जब समझदार लोग समाज के, चाहे मैं सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे हिंदुओं की बात करें, चाहे सिखों की बात करें, अगर ईसाइयों की बात करें, किसी की बात करें, अगर जाहिल अनपढ़ गंवार लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं तो ये हमारे देश के लिए शर्म करने वाली बात है। और जहां हमारा पूरा देश, हाँ दुर्भाग्य है हमारा, जहां पूरा देश परेशान है, हर एक व्यक्ति परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो शिक्षित हो, बिल्कुल। और जब हमें एक मौका मिला है कि हम हमारे घर परिवार के समय, क्योंकि आज का समय इतना व्यस्तम समय होता है कि हम हमारे घर परिवार के बारे में भी बातचीत नहीं कर पाते हैं, और अब जब हम हमारे परिवार के साथ उठते बैठते हैं तो हमें उनके साथ खुशी खुशी समय जो है व्यतीत करना चाहिए, और हमें एक अच्छे काम को की तैयारी करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। तो आप क्योंकि लेखक हैं, आपकी सुबह से लेकर शाम तक क्या तैयारी रहती है, आप किस तरह परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं? हाँ, पिछले शायद 16-17 सालों में इतना लंबा वक्फा मैंने अपनी फैमिली के साथ कभी नहीं गुजारा, और मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों, मेरी बेटी जर्नलिज्म का कोर्स कर रही है और मेरा बेटा भी 12th का एग्जाम देकर के फारिग हुआ ही है, तो मैं उनके साथ उनके फ्यूचर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। पढ़ने की आदत है, इसे खूब पढ़ रहा हूँ और लिख भी भरपूर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे लोग और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि वो लिख करके अपने समाज को जागृत करें, क्योंकि बाहर आवाजाही बंद है, क्वारंटाइन में है, तो किसी से मिलकर के जाती तौर पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तो लिख करके जो मैसेजेस किए जा सकते हैं वो सोशल मीडिया का कुछ अच्छा फायदा ये भी है कि अगर आप कुछ अच्छी चीज एक साथ कई लोगों को पहुंचाना चाहें तो पहुंच सकती है। तो वक्त इस तरह से गुजरता है, अखबार सुबह पढ़ने से लेकर के, हाँ मैं लेकिन न्यूज से बचना चाहता हूँ क्योंकि न्यूज नेगेटिविटी फैलाती है, कुछ एंकर्स ने सारी दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है, हालांकि वो बदतमीज भी हैं, उन्होंने काम की पूरी नॉलेज मुझे पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो जो कुछ भी बोलते हैं वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि ये किस जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आए हैं, और वो इस इवेंट में, इस कोरोना को भी एक इवेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप अगर जर्नलिज्म कर रहे हैं तो पत्रकारिता तो एक स्तंभ है और परमानेंट विपक्ष है ना, तो इसको सरकार को जागरूक करने का काम करना चाहिए, न कि किसी एक पर्टिकुलर समाज के पीछे पड़ जाने का। अगर वो समाज गलती कर भी रहा है तो उसमें सुधारात्मक कदम उठाए जाने की बात होनी चाहिए, बजाय कि उनकी इंसल्ट करने, उनको कल्प्रिट करने या उनको बिल्कुल कॉर्नर करने के। बिल्कुल, जो सजा देने का काम है वो तो सरकार आप या पुलिस जो है कानून के तरीके से करेगी करेगी और करनी भी चाहिए, वो चाहे कोई भी लोग हो, किसी भी तरह के लोग हो। यहाँ पर एक हम आपसे और सवाल, क्योंकि कई लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस भी मेरे पास आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों का ये देखिए एक व्हाट्सएप मैसेज आया है राकेश कुमार शर्मा जी का, जो कि छोटी चौपड़ से मेरे को मैसेज भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मकसूद साहब से कहिए कि उन्होंने क्या इस तरह जो लोग थूक रहे हैं या कुल्ला कर रहे हैं उनके खिलाफ इन्होंने कोई अपने समाज के ग्रुप में या कहीं और भी इस तरह का मैसेज संदेश भेजा है क्या कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए हमारे समाज के लोगों को? मैंने आपसे अभी 5 मिनट पहले ही किया था कि मैंने अभी आज सुबह एक लंबी चिट्ठी फॉर्म के नाम लिखी थी, उसमें मैंने यही लिखा कि ये जो कुछ भी बेवकूफियां, बेवकूफियां या गलतियां या जानबूझ करके जो भी आप लोग, इसका खामियाजा आप अकेले को नहीं भुगतना पड़ेगा, ये पूरी कौम को, बल्कि सिर्फ कौम की बात मत करिए क्योंकि कौम किसी एक घेरे में बंधी हुई नहीं है। आज अगर मैं शहर से बाहर निकलूंगा तो मैंने जाने कितने लोगों के साथ मिलूंगा, अगर मैं फैलाता हूँ तो बुराई भी मेरे साथ साथ फैलेगी। बिल्कुल, हाँ तो ये कौम अगर ऐसा कर रही, मैंने पहली बार मैंने कौम को एड्रेस किया, आमतौर पर मैं धार्मिक बातें करने से बचता हूँ और इस तरह के पैगाम भी नहीं देता क्योंकि मेरे में इतनी अकल है नहीं कि मैं धर्म के बारे में कोई बड़ी टिप्पणी करूं, लेकिन मैंने मेरे हमवतनों, हमवतन मुसलमान है, उनको आज एक चिट्ठी लिखी थी तो उसमें यही लिखा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये गलत है, इसको अगर आपने नहीं रोका तो अल्टीमेटली पहले शिकार आप बनोगे और आपके पीछे, क्योंकि आप तो मर जाओगे, आपके पीछे जो लोग हैं वो दुखी होंगे और उसके लिए जिम्मेदार आप ठहराए जाओगे। तो आप राकेश साहब से कहिए कि मैं और मेरे जैसे लोग जो हैं, जो सोचते हैं कि इन चीजों को किसी धर्म के दायरे में नहीं बांधना चाहिए,
वो परेशान भी हैं और अपने तहीं जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, राकेश जी ने आपकी बात सुन ली होगी। और ये एक राकेश कुमार जी के बाद में ये एक मैसेज आया है हरीश कुमार त्यागी जी का। हरीश कुमार त्यागी जी आपसे जानना चाहते हैं कि आप मकसूद जी, क्योंकि एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, और मकसूद जी से जानना चाहते हैं कि जो इनकी कौम के लोग हैं वो ये बताएं कि तबलीगी जमात जो है उसमें वास्तव में किस तरह की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मकसूद जी इसे ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। पता नहीं दूसरे लोग जो बताते हैं वो किस तरह की सही बात बताते हैं, गलत बात बताते हैं, ये आप मकसूद जी से पूछिए। जी मकसूद जी। हाँ, मैंने आपसे ये कहा कि मैं आमतौर पर धार्मिक टिप्पणी नहीं करता क्योंकि मैं अपना आप धर्म का ज्ञाता नहीं मानता, लेकिन जहां तक मैं लोगों में अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। हाँ, तबलीग की जमात जितना मैं जानता हूँ मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पॉपुलर वर्ड हो रहा है आजकल मरकज। जी, मरकज के लफ्ज़ी माने सेंटर के होते हैं, ठीक है ना। ये जो तबलीगी जमात है ये अर्ली 20s में शुरू हुई थी और 1926 के आसपास जहां तक मैंने पढ़ा है, 1927 में हरियाणा में नहीं, ये दिल्ली में ही जहाँ निजामुद्दीन में जहाँ ये है वहीं से शुरू हुई थी। और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल ठंडी हो गई और फिर अल्टीमेटली 1927 में वो जो मौलाना कंधाल भी थे वो मेवात का जो इलाका है, हरियाणा का नूब वगैरह का इलाका, वो उस वक्त बड़ा जहालत भरा इलाका था, तो वहां पे जाकर के उन्होंने लोगों को समझाई शुरू की और उस वक्त उनके 25,000 के आसपास उनके अनुयायी बने और अल्टीमेटली तबलीग का ये काम शुरू हुआ। तबलीग के लफ्ज़ी माने फैलाव के, सुधार के और अपना संदेश देने के। तो तबलीग में किसी तरह की शिक्षा इस सच ये कोई सेंटर ऑफ एजुकेशन नहीं है, लेकिन इसमें यह होता है कि जो इस्लाम के जानकार लोग हैं या स्कॉलर्स हैं वो वहाँ पे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और फिर वहां से अलग अलग इलाकों में वो टीमें जाती हैं जो जाकर के इस्लाम का प्रसार और प्रचार करती हैं। तो ये एक इस्लाम के प्रचार करने का माध्यम है, ये कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, वहां पे अलग तरह से शिक्षा दी जाती है। जैसा गलत है, मैं अगर लोगों को सोचती ये गलत है। जी तो देखिए, हालांकि लोगों के वो काफी आते रहते हैं लेकिन अब समय की सीमा भी हमें देखनी पड़ेगी। और मकसूद जी, चलते चलते आप पूरे देश के एक, क्योंकि राइटर हैं आप जाने माने, एक लेखक होने के नाते आप क्या देश के लोगों को संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों चाहे वो कम पढ़े लिखे लोग हों जो इस समय हमें देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं मेरे सारे हम वतनों को, मेरे जो पूरा हिंदुस्तान के जो दोस्त भाई बहन बड़े बुजुर्ग छोटे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि कोरोना को एक महामारी के तौर पे देखिए, एक अनजाने दुश्मन के तौर पे देखिए, जो एक समदृष्टा है इस मामले में। कोरोना की खूबी है कि वो समदृष्टा है और वो क्या कहना चाहिए, वो किसी भी धर्म को, किसी जाति को, किसी पंथ को, किसी सेक्स को नहीं देखती, वो सबको बराबर नुकसान पहुंचाती है। तो मेरी गुजारिश आप सब लोगों से ये है कि आप सब लोग जो कानून कहता है उसको मानिए, उससे भी ज्यादा जो एक्सपर्ट ऑफ हेल्थ कहते हैं उनको मानिए। अगर वो कहते हैं कि आप आइसोलेशन में रहें या आप अपने घरों में बैठे रहें कुछ वक्फे तक 15-20 दिन के लिए, तो वो रहें, क्योंकि जान है तो जान है, जिंदा रहेंगे तो कल देख पाएंगे, जब खुद रहेंगे ही नहीं तो फिर बाकी जिंदगी का मजा कैसे ले पाएंगे। और खुदा को किसी ने देखा नहीं, लोग वैसे भी कहते हैं कि धरती पर अगर कोई दूसरा भगवान है तो वो डॉक्टर होता है, और ये सच बात है। डॉक्टर अपनी जान को हथेली पे रख के, न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि उनका पैरामेडिकल स्टाफ, ये सारे पुलिस स्टाफ, ये सफाई कर्मी, ये सब लोग इसलिए बाहर हैं क्योंकि हम ठीक से अंदर रह पाए, तो हमें इनका बहुत दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जाती तौर पे मेरे घर के सड़क की सफाई करने वाले का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो उसकी वजह से हम साफ सफाई से रह पा रहे हैं और ये जो महामारी है ये एक एक घर तक नहीं पहुंच पाई। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वो इसको पर्सनली इतने अच्छे तरीके से हैंडल करें कि उनकी वजह से किसी और को परेशानी नहीं होगी, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप एक पेरेंट होंगे तो आपके पीछे पूरा एक घर है, आप बेटे हैं तो आप अपने माँ और बाप की आंखों के चिराग हैं, तो आप खुद का भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी जरूर जरूर ख्याल रखिए।
मकसूद जी, सिटी लाइव के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस समय जो मकसूद जी, क्योंकि एक बहुत अच्छे लेखक हैं, समाज सेवी हैं, इनकी अगर बात सुन रहे हो, देख रहे हो, तो जरूर अपने अमल में लेकर आइए और इस कोरोना की जंग में सभी को जीतना है, क्योंकि हम सब एक हैं और हमको इस कोरोना को हराना है और हमारे देश ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी इसे भगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी लाइव में जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका, ही बहुत बहुत शुक्रिया।